ओडिशा विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम को स्थगित रखिछंती सुप्रीम कोर्ट। ओडिशा हाईकोर्ट को एही आईन वैधता नै राय को 90 दिन पई स्थगित रखिबा सह 4 सप्ताह रे उत्तर देबा को राज्य सरकार को निर्देश देबा परे खुशी व्यक्त करिछंती शिक्षाविद। विश्वविद्यालय रो स्वायत्तता को एही आईन नष्ट करुथिबार शिक्षाविद माने अभियोग करि आसुथिले। यूजीसी गाइडलाइन रो विरोधाचरण करिबारु एही अधिनियम आईन संगत नुहे बोली उच्चतम न्यायालय हृदयंगम करिछंती। यूजीसी रो नियम कानून उल्लंघन करी राज्य सरकार विश्वविद्यालय रो स्वायत्तता उपरे हस्तक्षेप करितबा अभियोग होइथिला। वीसी चयन पई यूजीसी गाइडलाइन आधार रे सर्च कमिटी चयन कमिटी बदल रे वीसी नियुक्ति रे राज्य सरकारक भूमिका को एही अधिनियम रे शक्तिशाली करा जाइथिला। प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर अन्यान्य गुरुत्वपूर्ण एकेडमिक पद पूरण पई कुलपति एवं यूजीसी गाइडलाइन आधार चयन कमिटी बदलरे ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन ए नियुक्ति प्रक्रिया परिचालना करिवार आईन रे व्यवस्था करा जायतिला। विश्वविद्यालयर स्वायत्तता पई निर्णय प्रक्रिया रे सिनेट सिंडिकेट भली स्वायत्त व्यवस्था बदलरे राज्य सरकार को अधिकार को विश्वविद्यालय उपरे लदि देबार आईन रो व्यवस्था थिला बोली विरोधी माने अभियोग करि आसुथिले। एटा यूजीसी रो जो प्रोविजन अछि ऑटोनॉमी इट्स अ वायोलेशन। नॉट ओनली दैट हमर जो नुआ एजुकेशन पॉलिसी 2020 आसला से प्रथम कथा कहाई जे यूनिवर्सिटी मानकर ऑटोनॉमी मेंटेन नकले से माने इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड मेंटेन करि परिबे नाही। तेनु ऑटोनॉमी हैज टू मेंटेन। जदि ऑटोनॉमी मेंटेन करे कथा ताले सरकार जो परिवर्तन कर जो 1989 एक्ट रे अमेंडमेंट कले से एंटायर अमेंडमेंट इज इन टू मी एक्चुअली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कारण इट इज गोइंग अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट व्हिच वाज पास्ड इन द ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1943। तो ओरिजिनल स्पिरिट जो थिला से स्पिरिट टा के मेंटेन करि नाहंती।